गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल शहर के वार्ड 16 स्थित गप्पू वाला बाग स्थल पर करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से करीब 4 एकड़ में बनाए गए मिनी खेल स्टेडियम को उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान का नाम देने की घोषणा की है और कहा कि खेल मैदान के गेट पर उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके साथ लगती करीब 2.5 एकड़ भूमि पर सामुदायिक केंद्र और इसके प्रथम तल पर लाइब्रेरी बनाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खेल मैदान के एक कोने पर योगा शेड बनाया जाएगा, जिसमें योग कक्षाएं लगेंगी। इसके अलावा करनाल से सटे कैलाश गांव में उपलब्ध 7 एकड़ जमीन पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी का एस्ट्रोट्रफ मैदान बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस खेल मैदान के आसपास गरीब और मध्यम वर्ग की घनी आबादी है, उनकी सुविधा के लिए इस वार्ड के पार्षद या मेयर जो भी मांग करेंगे उसे भी पूरा करेंगे। के सरदार मिल्खा सिंह खेल मैदान इस मैदान का नाम रहेगा। इसलिए मित्रों, ये जो मैदान है इसके ऊपर अभी तो जो कुछ बनाया गया है उसमें एक हॉकी का मैदान बना दिया है और इस मैदान के सुरक्षा और बचाव के लिए चारों तरफ तारबंदी भी कर दी गई है, उसकी घेराबंदी की गई है और यहाँ एक ओपन एयर जिम, ताकि जिम के ऊपर भी जाकर के बच्चे नौजवान वो अपना व्यायाम कर सके। 14 उपकरण उसमें लगा दिए हैं, एक वॉलीबॉल का कोर्ट बन गया है, बच्चों के लिए झूले और अन्य उपकरण ये भी लग गए हैं और 4 दीवारी के साथ साथ मिल्खा सिंह जैसे दौड़ते थे ऐसे दौड़ का एक ट्रैक ये भी बनाया गया है। 4 जो है बड़ी लाइट है जिसे हम देख रहे हैं ना, ताकि रात के समय भी यहाँ पूरी रोशनी रहे, ताकि कोई किसी भी समय उसका उपयोग करे। सार्वजनिक शौचालय, कंट्रोल रूम, ये सब स्थान भी बनाए गए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी पानी जब बरसता है तो उसके लिए भूजल का बचाव के लिए वैसे हार्वेस्टर भी वो 2 लगा दिए हैं। तो इसलिए इस खेल के मैदान का सब लोग उपयोग, 2.5 एकड़ और बची हुई जमीन है उसका क्या किया जाए। तो 2.5 एकड़ पर इनकी मांग है कि एक कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाए। तो आपको एक कम्युनिटी सेंटर जो है, जहां कुछ घर यानी परिवार के लोग, अपने घरों में तो जगह होती नहीं है, कोई कार्यक्रम करना है, सामाजिक कार्यक्रम है उसको करना है, पारिवारिक कोई फंक्शन है, ये सब किए जा सकते हैं। तो एक तो बनाया जाएगा वहाँ कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर, और उसके ऊपर के तल पर एक बनाई जाएगी नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए एक लाइब्रेरी। और एक लाइब्रेरी का उपयोग जो नौजवान साथी हैं, खास करके परीक्षा जो कंपटीशन होते हैं उसकी परीक्षा देने के लिए अपनी तैयारी कर पाए, एक अच्छी लाइब्रेरी जो है वो बना दिया जाएगा। अब खेलों में करनाल के लोग कहेंगे आपने गप्पू वाला बाग में तो इतना सब कर दिया, बाकी शहर के लिए क्या किया। अब दूर से हमने संदीप सिंह जी, हमारे खेल मंत्री, इनको भी बुलाया हुआ है, तो इनकी उपस्थिति में एक आध चीज शहर के अंदर भी बने उसका भी विचार हमने किया है। तो जो हमारा ITI चौक है, उस ITI चौक के पास कैलाश गांव, वहां पर जमीन है लगभग 7 एकड़, और उस 7 एकड़ में हॉकी का एस्ट्रोट्रफ ग्राउंड ये बनाया जाएगा, जिसके ऊपर लगभग 8 करोड़ रुपए का खर्च होगा। हमारा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में यहाँ का कम्युनिटी सेंटर भी और वहाँ का जो हॉकी का एस्ट्रोट्रफ ग्राउंड, ये भी दोनों स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में से लगेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में KSCL की ओर से करीब 8 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से तैयार मिनी खेल स्टेडियम, अटल पार्क का सौंदर्यकरण, विभिन्न सड़कों का सुदृढ़ीकरण तथा फुटपाथों पर टेक्सटाइल से निर्माण कार्य सहित 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ से वी न्यूज के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।